हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह, आपका बुलेट पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड डीसी इंजन 350 या 500, इसके अंदर हाइड्रोलिक वाल कैसे चेंज करें। और ये हाइड्रोलिक वाल और हाइड्रोलिक वाल चेंज करने का सबसे अच्छी तरीका क्या है, और इसमें जो रॉयल इनफील्ड में जो टिक टिक की जो नॉइज आती है स्पेशल हाइड्रोलिक वाल की वजह से, इसमें ऑयल सप्लाई रोकर नहीं जानी, इसका क्या कारण है तो बने रहे इस वीडियो में। आप देखना कि हाइड्रोलिक वाल सबसे चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद। दोस्तों ये है मेरे पास रॉयल इनफील्ड यूसी इंजन का क्रैंकेस, और इसके अंदर क्रैंक के वास्ते उसकी वजह से मैंने इसका इंजन खोल रखा है। और यह है इसकी कनेक्टिंग रोड विथ असेंबल क्रैंक शाफ्ट असेंबल कनेक्टिंग रोड, और साथ में इसका हेड जिसके अंदर मैंने उसके वाल सारे सेट कर चुका हूँ। ये इंजन मैंने स्पेशल क्रैंक की नॉइज के लिए खोल रखा था, और इसके अंदर क्रैंक की नॉइज के साथ टिक टिक की साउंड भी आ रही थी। तो इसके अंदर इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हाइड्रोलिक वाल कैसे चेंज कर रहे हैं, और हाइड्रोलिक वाल होते क्या है आपको पूरा वीडियो बारीकी से आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाइड्रोलिक वाल का मतलब है कि ऑयल का जो प्रेशर है पूरी तरह से ऊपर तक पहुँचाना, या ऑटोमेटिकली ऑयल की जो सप्लाई है वो ऊपर तक पहुँचाना ही हाइड्रोलिक वाल का काम होता है। अगर हाइड्रोलिक वाल ख़राब हो जाए तो इंजन के अंदर ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन में टिक टिक की नॉइज आ जाती है। और ये आप देख रहे हो, कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों साइड हाइड्रोलिक वाल है, और यह है इसका ऑयल पम्प जो आपको रेड गिरारी के अंदर जो दिख रहा है, यह ऑयल पम्प की गिरारी, यह ऑयल पम्प, यह है इसके दोनों पुराने हाइड्रोलिक वाल्व जो ऑलरेडी इसके अंदर असेंबल्ड है, यह है नए वाल्व जिसके MRP 815 रुपये। ये हाइड्रोलिक वाल्व में आपको चेंज करूँगा, और चेंज करने से पहले आप क्या क्या होता है इसके लिए, पहले एलंकी बोल्ट से हाइड्रोलिक वाल्व का जो सपोर्टर है वो हमें हल्के हाथों से खोलना चाहिए, जिसके पश्चात सपोर्टर के नीचे दो पतली डाउल लगी होती है उसको रोज प्लायर की सहायता से हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। और ध्यान रखें कि ये जो दोनों डाउल है वो किस प्रकार से निकली है, क्योंकि हाइड्रोलिक वाल इसी के अंदर एडजस्ट रहते हैं, और इनका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक वाल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये पिने बाहर निकल सकती है। तो जब भी हम वापस इसको असेंबल करें या फिट करें तो एलिंकी का जो बोल्ट है वो प्रॉपर टाइट रहना चाहिए। यह है पतली डावल जो दोनों तरफ लगती है, दोनों हाइड्रोलिक वाल के बीच में एडजस्टिंग का काम करती है। यह है हाइड्रोलिक टैपेट जिसके MRP 815 रुपये के लगभग है, और दोनों वाल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर यूसी इंजन में दो वाल हाइड्रोलिक वाल दो लगते हैं, और दोनों सेमी पोजिशन के सेमी साइज के होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक वाल हमें हाफ इंजन जरूरी है कि इसके लिए हमें पूरा इंजन खोलना पड़ रहा है। हाइड्रोलिक वाल चेंज करने के लिए हम हाफ इंजन खोल के भी हाइड्रोलिक वाल चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाली गाड़ी क्रैंक की नॉइज की वजह से आई हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। यह है इसके दोनों हाइड्रोलिक वाल, और जो ये नए हाइड्रोलिक वाल के अंदर जो ब्लैक कलर की सपोर्टर दिख रही है इसलिए लगा रखी है कि इसके अंदर जो ऑलरेडी कंपनी से जो ऑयल इसके अंदर है वो ऑयल बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर रास्ता में अगर ऑयल बाहर कहीं लीक हो गया तो हाइड्रोलिक वाल खराब होने की संभावना इसमें रह सकती है। यह है उसकी पूरी गियर असेंबली जो मैंने ब्लैक रेड धागे से एक बार टेम्परली इसको मैंने बांध रखा है। यह है पूरी गियर असेंबली, और यह है इसके जो नए हाइड्रोलिक वाल, ये पुराने वाल है जो अप डाउन ऐसी इसके अंदर सिचुएशन रहती है, जब गाड़ी चलती है गाड़ी मूव होती है, पिस्टन TDCC से BDC होता है तो ये वाले वाल ऊपर नीचे होते हैं। अब मैंने इसको यूज किया और नोज प्लायर के साथ ऐसे मैंने इसके जो पुराने वाले हाइड्रोलिक वाल आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये वाल मैंने इसमें निकाल रहा हूँ, और जो दूसरा वाल है वो भी हल्के हाथों से मैंने इसको पुश करके बाहर निकाल दिया। ध्यान रखे कि हाइड्रोलिक वाल डालते समय हमें उसको पूरा क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा हल्का बहुत अगर गंदा ऑयल हो या कोई कचरा हो तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, वो सबसे मेन बात है, अदरवाइज इसकी जो पोजीशन है उसके अंदर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हाइड्रोलिक वाल डालते समय इसको हमें पेट्रोल से थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि
जब भी फिटिंग करें, जरूरी हाइड्रोलिक वाल हम फिट करें, जब भी कोई काम करें उससे पहले हमें थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए। और रॉयल इनफील्ड यूसी इंजन में हाइड्रोलिक वाल की जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी अन्य पार्ट की नहीं है, क्योंकि इंजन की जो साउंड होती है वो एकदम हाइड्रोलिक वाल की वजह से इंजन एकदम साइलेंट रहता है, और उसमें जो टिक टिक टाक टिक ऐसी कोई जो नॉइज आती है उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल नहीं आएगी। जैसा कि आपने देखा है कि दोनों वाल मैंने जो हाइड्रोलिक वाल वो बाहर निकाल लिए हैं, अब मैं नए वाल एक वाल मैंने एडजस्ट कर दिया, ये दूसरा वाल है हाइड्रोलिक जो मैं अंदर असेंबल करने जा रहा हूँ। वही तरीका है जैसे मैंने पुराने वाले वाल वहाँ बाहर निकाले, उसी प्रकार से नए वाले वाल मैंने वापस उसको मैं अंदर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि ये कैसे निकलेगा कैसा होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर अप डाउन ऊपर नीचे आसानी से इजी वे में हो रहा है वो बिल्कुल। इसमें मैंने फ्रेश ऑयल डाला है ताकि जो इसकी जो पोजीशन है इसके अंदर जो ऑयल है वो प्रॉपर इसके अंदर बना रहे, और इसकी जो मूविंग है इसकी जो साउंड है वो प्रॉपर उसी तरह से रहे जिस तरह से हम चाहते हैं। जो इंजन जो रॉयल इनफील्ड यूसी इंजन की जो साउंड होती है एकदम साइलेंट साउंड, और साइलेंसर की आवाज़ के अलावा अन्य इसके अंदर आवाज़ ना आए। जैसे मैंने डाउल निकाली उसी प्रकार से ये वाला डाउल मैंने वापस इसके अंदर मैं असेंबल करने जा रहा हूँ। उसके पश्चात दोनों वाल उसको मैंने हल्का सा अंगूठे से फ्रेश करके डाल दिया ताकि कहीं बाहर न निकल जाए या हल्का बहुत इसमें प्ले न रह जाए। फिर वही एलएनकी बोल्ट और उसका स्टॉपर, बिल्कुल मैंने बारीकी से आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखा रखा है ताकि कोई भी अगर अनट्रेड बंदा हो या कोई ऐसा कोई मैकेनिक हो जिसकी बाई चांस लगाने में अब इसमें भूल हो जाए या उसको समझ में ना आए, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अनट्रेड बंदा वो कहीं में भी अपने जो ऑफिस है या अपना जो वर्कशॉप है वहाँ पे इजी वे में ये वाले वाल हाइड्रोलिक वाल डाल सकते हैं बिल्कुल बड़े प्यार से। अपने हल्के हाथों से अगर हम इसको फ्रेश कर दें तो ये पूरे वाल हाइड्रोलिक जो वाल है वो बड़ी आसानी से इसके अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हो आप, मैंने पूरे हाइड्रोलिक वाल बड़ी इजी वे में बड़ी आसानी से मैंने इसको असेंबल कर दिया है, और ये पूरा का पूरा जो इसका क्रैंकेस है, इसका जो पूरा क्रैंकेस है